नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी शारदीय नवरात्रि में व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी हमारी प्यारी माताएं और बहनें शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में व्रत रखती हैं। शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों का होता है, जिसमें 9 दिनों अलग अलग माता रानी के स्वरूपों का पूजा किया जाता है, यानी कि दुर्गा माता रानी के अलग अलग 9 रूपों का पूजा पाठ किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2023, इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप कोई भी वीडियो देखती हैं, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शारदीय नवरात्रि 2023 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापना होगा और उस दिन माता रानी का पहला पूजा किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 24 अक्टूबर तक होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चलेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कलश स्थापना विधि, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त, अगर आपको नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस बार बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस बार माता रानी जिस सवार पे सवारी होके आ रही हैं, अगर उन पे कभी भी माता रानी किसी भी चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि हो पे सवार होके आती हैं, तो वह शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 3 गुना बेहद शुभ हो जाता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि माता रानी का इस बार सवारी क्या रहेगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, हम लोग नवरात्रि तो कर लेते हैं, घर में पूजा पाठ भी करते हैं, विधि के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, सुबह और शाम आरती भी करते हैं, लेकिन नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा मुख्य बात होती है। अगर आप व्रत रख रही हैं और अगर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा पदार्थ आप खा लेती हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में आप सभी को भूल कर भी क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला बात दोस्तों कि नवरात्रि में नमक खाएं या ना खाएं। जैसे कि घर में अगर कोई भी नवरात्रि का व्रत रख रहा है, वह व्यक्ति नमक खाए या ना खाए, तो अगर आप फल पे पूजा पाठ कर रही हैं, यानी कि फलहार एक समय करती हैं, फल हो या मीठा में कुछ भी खाती हैं, तो वैसा भी पूजा कर सकती हैं, नहीं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकती हैं। सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। आप नवरात्रि के 9 दिन भोजन जो बनाएंगी उसमें सेंधा नमक डाल सकती हैं, यह आप खा सकती हैं, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। साथ ही साथ घर में अगर आप जो भी भोजन पदार्थ बनाते हैं, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, तो कम से कम 9 दिन तक आपको घर में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए और सारे परिवार को सेंधा नमक का बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत में कौन सा सब्जी खाना चाहिए और कौन सा सब्जी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि या कोई भी पूजा पाठ हो, आप सभी को बैंगन, टमाटर, जैसे कि जो बंद रहता है सब्जी, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, यह सब पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों कि बैंगन और टमाटर क्यों ना खाएं?
क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि बैंगन के अंदर कीड़ा पाया जाता है, साथ ही साथ टमाटर में भी कीड़ा रहता है। जैसे कि जो भी आप साग सब्जी ले रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गला हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें कीड़ा रहता है। कभी कभी माताएं बहनें करती हैं क्या कि बैंगन के अंदर अगर कीड़ा रहता है तो वो निकाल कर फेंक देती हैं, उसके बाद उसका प्रयोग करती हैं, जो कि करना गलत है, क्योंकि ऐसे में बैंगन कहीं ना कहीं मांसाहारी ही माना जाएगा, चाहे आप वो कीड़ा निकाले या ना निकाले। तो इसलिए व्रत में ऐसे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप आलू का प्रयोग कर सकती हैं, आप सोयाबीन खा सकती हैं, आप अगर चाहती हैं तो अरबी खा सकती हैं, लौकी खा सकती हैं, नेनुआ खा सकती हैं। यह सब व्रत में खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसी तरीका से दोस्तों, अगर फल का बात किया जाए तो फल में आप अनार खा सकती हैं, सेब खा सकती हैं, नारंगी खा सकती हैं, अमरूद खा सकती हैं, लेकिन अगर आप केला खा रही हैं तो ध्यान रहे केला कहीं से भी थोड़ा सा भी गला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर केला गला हुआ खाती हैं तो उसके अंदर आपको कीड़ा जरूर से जरूर पाया जाएगा और खाने से आपका व्रत खंडित जरूर हो सकता है। इसलिए केला अगर खा भी रही हैं तो ध्यान रखिएगा कि केला जरा सा भी गला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फल कोई भी ले सकती हैं और भगवान का भोग प्रसाद जो चढ़ाती हैं तो उसमें भी वह चढ़ा सकती हैं। और रहा बात कि मेवा मिश्री का, तो आप काजू ले सकती हैं, बादाम ले सकती हैं, पिस्ता अगर आप ले रही हैं तो ध्यान रहे एक नमक वाला आता है, एक बिना नमक वाला, तो ध्यान से आपको बिना नमक वाला लेना है, नहीं तो आप बादाम, काजू, किशमिश यह सब खा सकती हैं और माता रानी को भोग प्रसाद भी लगा सकती हैं। जूस का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बाहर से जूस मंगा के घर में बिल्कुल भी मत पीजिएगा, क्योंकि जिस मशीन में बाहर में जूस बनाया जाता है कहीं ना कहीं उसमें नमक का प्रयोग जरूर किया जाता है, और उस मशीन से बनाया हुआ अगर आप जूस पीती हैं तो इससे भी आपका व्रत खंडित हो सकता है। और अगर आप खाना में रोटी या पूरी पराठा खा रही हैं तो आटे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना आटे का, जैसे कि कुट्टू का आटा, साबूदाना का आटा, यह सब का आप प्रयोग करके पूरी पराठा जो भी खाना चाहती हैं खा सकती हैं, घर में शुद्ध देसी घी बना के, क्योंकि मार्केट में मिलावट होता है इसलिए घर का घी में आप बना करके खा सकती हैं, इससे भी आपको कोई नुकसान या आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीका से आप अपने घर में तो फलहार जरूर करेंगे, लेकिन फलहार करने का भी एक अपना नियम निष्ठा होता है। दिन भर में कितना बार फलहार करना चाहिए, अगर आप पूजा पाठ कर रही हैं 12 बजे तक, तो 12 बजे पहला पहल और उसके बाद 3 बजे संध्या 6 बजे, यह होता है 3 टाइम फलहार करने का। आप किस समय में फलहार करती हैं नवरात्रि में, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप सही समय पे फलहार कर रही हैं तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और अगर आप सही समय फलहार नहीं कर रही हैं तो मैं इसका भी आपको आगे वीडियो डाल करके बताऊँगी। उम्मीद करूँगी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।